तो उनको ये प्रॉब्लम हुई थी कि भाई यूरिन में प्रॉब्लम थी, तो बायोप्सी कराई थी उनकी, तो उनको डिटेक्ट हो गया। फिर वो मेडिसिन उनकी चलती रही एलोपैथी वाली, फिर वीडियो देख के फिर मैं यहाँ आया। ठीक है जी, यहाँ से मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, आज वो एकदम फिट हैं, उनकी दवाई बंद है। बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा रहने वाले? मैं जयपुर में रह रहा हूँ अभी। जयपुर में कहाँ? जयपुर में सांगानेर। सांगानेर पेशेंट भी आप ही हो? आपको मेरे पास दवाई लेते हुए कितने दिन हो गए? लगभग 4 महीने। लगभग 4 महीने। 16 जून को आप आए थे 2024 के, ठीक है जी। और आपका प्रोस्टेट का बताया था प्रॉब्लम? हाँ, मेरे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। पीएसए आपका बढ़ा हुआ था? पीएसए बढ़ा हुआ था। ठीक है, और आप अपने बारे में बताओ, शुरू में क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ कहाँ दिखाना पड़ा, स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में तो मैं जो भी करता हूँ। चलो ठीक है जी। और इससे पहले मेरे पापा को ये प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, तो उनका मैंने यही ट्रीटमेंट कराया था। ठीक है जी। तो उनको ये प्रॉब्लम हुई थी कि भाई यूरिन में प्रॉब्लम थी, तो बायोप्सी कराई थी उनकी, तो उनको डिटेक्ट हो गया। फिर वो मेडिसिन उनकी चलती रही एलोपैथी वाली, फिर वीडियो देख के फिर मैं यहाँ आया। ठीक है जी। यहाँ से मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, आज वो एकदम फिट हैं, उनकी दवाई बंद है। अपने पिताजी की प्रॉब्लम भी इनकी यही थी, और स्वयं हॉस्पिटल में मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने खुद खुलासा कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो बात है आज सच खुद ही रखना चाहते हैं। तो इनका वो भी नहीं था कि घर सारे डॉक्टर इनके खुद जानकार खुद हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं इनको पिताजी को आराम नहीं मिला। आज दवाई मेरे पास चली, इनके पिताजी प्रॉपर बिल्कुल ठीक है, दवाई भी बंद हो चुकी है, उनकी दवाई बंद हो चुकी है, और सेम प्रॉब्लम इनको भी। वो क्या, मेडिसिन बढ़ती जा रही थी कम होने की जगह एलोपैथी वाली। मैंने वीडियो देखा इनका, तो वीडियो देख के यहाँ आया, यहाँ का ट्रीटमेंट चलाया, आराम मिला, चलता रहा। आपको क्या दिक्कत थी सर? मुझे यूरिन में प्रॉब्लम आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था, कंट्रोल रुक रुक के बार बार आना। हाँ, बार बार कभी इतना ज्यादा आता था कि रोक ही नहीं पाते थे आप। ठीक है, दर्द बहुत ज्यादा होता था पेशाब करने से, पेशाब करते टाइम पेट साफ नहीं होता था, पैर के तलवे में जलन होता था, घुटने में कमर में दर्द होता था, दर्द होता था, चेस्ट में खिंचाव और बैक पेन, ये था, बैक में भी खिंचाव था। मेरे पास आया तो ये सारी प्रॉब्लम बताई थी। ठीक है, अब एक एक करके आपको प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे। जैसे यूरिन जो रुक रुक के आता था, वो ठीक है, एकदम ठीक है। कभी इतना ज्यादा आता था कि रोक नहीं पाते थे, प्रेशर बनता था, कंट्रोल नहीं होता था, तो तुरंत उठ के भागना पड़ता था। अब कंट्रोल है, कंट्रोल है। दर्द भी होता था पेशाब करने में, अब ठीक है, एकदम ठीक है। पेट साफ नहीं होता था, वो ठीक है। पैर के तलवे में जो जलन होता था, जलन भी ठीक है। घुटने में कमर में जो दर्द था, वो भी ठीक है। चेस्ट में जो खिंचाव था, बैक में जो, बैक में और चेस्ट में जो था, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। पापा तो ठीक हो गए, आज बेटा भी ठीक है, और आज जिस आयुर्वेद की तरफ इनका मन था, वीडियो देखने और मैं जयपुर से मोटरसाइकिल चला के आया हूँ, ये और बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो वहां से बस मिलती नहीं है तो कितने मेरे को इधर से उधर भागना पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो मोटरसाइकिल लेके चलो। तो जिस प्रॉब्लम को लेकर आपको ये डर था, जो पिताजी को प्रॉब्लम भी आपको बताई थी कि सी है, तो आयुर्वेद पर विश्वास था कि आपको, कि हमारा पेशेंट आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा? क्रोनिक डिजीज की बात चल रही है, क्योंकि आपकी वीडियो आपके हॉस्पिटल में भी जाएगी, तो बोलेंगे सर आप हमारे हॉस्पिटल को छोड़कर उधर क्यों वीडियो बनाने गए? ऐसा कुछ नहीं है, सबका देखो अपना अपना काम है, हॉस्पिटल वाले अपने अनुसार कमाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। कमाने की बात नहीं करेंगे सर हम, तो आप अपनी बात करेंगे, हम हॉस्पिटल को बदनाम भी नहीं कर रहे। आपकी हॉस्पिटल की जरूरत मेरे को ही पड़ेगी, अगर इमीडिएट मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, देखो तो मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, इमीडिएट ब्लड की जरूरत है, तो मेरे को आपके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सबके अपने अपने काम है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, किसी का काम बुरा नहीं है, मैं भी किसी को बुरा नहीं बोल रहा, सबके अपने अपने काम है। एक छोटी सी बात रख रहा हूँ, जिस बीमारी को चीजें एलोपैथिक में बढ़िया है तो कुछ आयुर्वेदिक में बढ़िया। देखो आयुर्वेद की बात करता हूँ, आयुर्वेद में हम इस बीमारी को लेकर अगर ये बोल भी देते हैं तो हम पर बहुत बड़ा एक अपराध चालू हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी तरह से मैंने तो सच बताया मेरी वीडियो में, और आपको भी बता रहा हूँ सर, मेरे पास इस बीमारी के लिए मैंने आपको कोई दवाई नहीं दी, नहीं है मेरे पास दवाई। आप लोग भी इस वीडियो को देखकर मेरे पास भागे तो मत भागना, मेरे पास इस बीमारी को लेकर कोई दवाई नहीं है, मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं कैंसर ठीक करता हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, दवाई के नाम से जो ले जा रहे हैं वो नहीं है, ये फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, समझते हो ना जी, जो आप घर में भोजन कर रहे हो ये वो भोजन है जो आपको दी जा रही है, और इससे पेशेंट ठीक हो रहा है। आपके पिताजी की दवाई कितने दिन में बंद हुई थी?
छः महीने में। कितने दिन से दवाई चल रही थी उनकी? सालों से ही चल रही थी। एक साल से उनकी दवाई चल रही थी। आपको वहाँ भी परेशानी ऐसी बढ़ी तभी आप मेरे पास आए होंगे, और वो छः महीने में दवाई इनकी पिताजी की, कितने दिनों का दवाई बंद हुई अभी? एक साल से नहीं, वो दवाई तो कई सालों से चल रही थी, 5-6 साल से। एक साल से तो ज़्यादा दिक्कत थी। ठीक है, तब मेरे पास आए थे और दवाई बंद हुई कितने दिन हो गई? लगभग हो गए होंगे साल भर के करीब। एक साल दवाई बंद हुए हो गए, ठीक है जी। और आज इन कोरोना के बाद नहीं थी दवाई, ज्यादा ही टाइम हो गया, कोरोना आया था हाँ। उसके बाद दवाई बंद, सेकंड कोरोना, समझ गए जी। और जिस बीमारी को लेकर आप लोग इधर उधर, उनकी भी प्रिस्क्रिप्शन रखी हुई है मेरे पास हाँ। कोई नहीं, वो तो आपको, आपके पास कोई घर हाँ। जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उनका वो डिटेल कहीं डिस्पोज कर दिया तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। हाँ, मेरे पास रखी है वो, मैंने मेरी फाइल में ही लगा रखी है। उसको लेमिनेशन करा के रखना सर, क्योंकि आज आपकी वीडियो बन रही है, हो सकता है ये वीडियो जाके 5 साल के बाद सबमिट करे तो बोलेंगे वीडियो झूठी क्यों बनाया। देखो इनके पिताजी, आपके पिताजी का नाम? राधेश्याम जी शर्मा। राधेश्याम जी शर्मा, उम्र उनकी? 90+ है सर। 90+ की बात कर रहे हैं, समझ गए, 92 इसमें ओपीडी की तरह बता रखा है। ठीक है, 2013 से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है जी। और इनके पेशेंट की दवाई भी बंद हो चुकी है। पीएसए उनका भी 7.91 था, ठीक है। और आपका जो पीएसए बताया था वो 12.2। चेहरा है और सत्य है। जिस बीमारी को लेकर आप लोग भाग रहे हो, मेरे को नहीं लगता अगर मेरी दवाई से पेशेंट ठीक हो रहा है तो ये कोई बड़ी बीमारी है। किसी भी वीडियो में मैंने अपने आप को खड़ा नहीं किया, पेशेंट के साथ वीडियो बनाता हूँ, पेशेंट के परिवार के साथ वीडियो बनाता हूँ। झूठ कब तक चलेगा मैं भी देखता हूँ। बहुत सारे सवाल उठेंगे और हो सकता है कि बहुत बड़े खतरे में मुझे डाल दिया जाएगा। मान रहे हैं सर, आयुर्वेद को लेकर बहुत बड़ा दावा आज कर रहे हैं, और आज मैंने इनको दवाई देने से मना कर दिया, ये बात भी रखेंगे। इतनी अच्छी रिकवरी, उसके बाद क्यों मना किया? ठीक है, तो सवाल आपके भी मन में आएगा, क्यों मना किया भाई? जांच करवाया। अब जांच से क्या दिक्कत है? कई बोलेंगे क्यों, आप तो छुपना चाहते हो ना, जांच करवा लिया तो फिर। तो मैं तो कहता हूं जी, जिस समय आयुर्वेद, आप जब छोटे थे उस समय जब हम हॉस्पिटल में जाते थे, सरकारी हॉस्पिटल की बात करता हूं जी, तो क्या कोई लैब था? कोई छोटी मोटी कुछ जांच होती होगी तो होती होगी, मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं था। कोई लैब नहीं थे जी, एक डॉक्टर होता था जो टॉर्च रख के जीभ देखता था। था क्या कोई लैब सर? अच्छी तरह पता जी, मैं, मेरी 48 उम्र है, हॉस्पिटल जाते थे, कोई जांच नहीं थी जी। जीभ कहते थे, जीभ निकालो, आंख को खींचते थे, ठीक है, जीभ, आंख, नाखून, हाँ, नाखून को दबा के HB देख लेते थे। तो वो विज्ञान मैं रख रहा हूं जो सच था, ठीक है। अभी यंग जनरेशन वाले तो बोलेंगे जी ये तो आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन ओल्ड जनरेशन जो है, जो मेरे से प्लस उम्र में है, तो वो तो ये सच जान जाएंगे जी कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो पहले था ना जी, नखून को दबाकर, जीभ को देखकर, आंख को देखकर था ना, आज क्यों नहीं मानते फिर आप लोग? एक कागज का टुकड़ा, मैं तो कहता हूँ कि आपके पेशेंट को जो बीमारी बताई गई थी उसका तो आयुर्वेद के प्रति आपको आना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों मानूं फिर इस जांच को? मैंने तो पेशेंट की जो ये बातें बताई, आपसे जो पूछा गया कि ये जो आपका पेशाब रुक रुक के आता था, अब क्लियर है, रोक नहीं पाते थे, वो ठीक हो गया, पेट साफ होने लगा, तलवा ठीक हुआ, इतनी सारी बातें जो ठीक, सर ये भी तो जांच है। आप कौन सी जांच मानोगे? ये जो सामने वो सत्य है ना, लेकिन इस सत्य को कोई नहीं मानने वाला, कहेंगे हम तो जांच कराएंगे। तो मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूं, मैंने इनकी दवाई क्यों बंद करी। मैंने बोला सर जहां से आपने जांच कराई है ना, प्लीज वहां उस लैब वाले से पूछो कि सर दवाई कहां करने जाएं। अगर वो आयुर्वेद का नाम बोलते हैं तो आप आओ, मुझे नहीं लगता कि ये जांच करने वाले आपको आयुर्वेद की तरफ भेजेंगे, और खास तौर से मेरी तरफ, जो सारा विज्ञान ही बड़ा अजीब सा है, गौमूत्र के साथ अपने आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो कोई साइंस मानने वाला नहीं है, तो सर आपको तो मना ही करते हैं, तो फिर जांच उधर से तो इलाज इधर क्यों? मैं तो खुद कह रहा हूं जी, आप लोग हमारे, मेरे चक्कर में, मेरी वीडियो के चक्कर में मत पड़ो भैया, जिस जगह जांच कराओ उसी से पूरी विश्वास तो आपको है ना उसकी जांच पर, तभी तो आप उस लैब में गए हो, उसी से पूछो भैया कहां जाना चाहिए हमें, कौन सा डॉक्टर, तो भैया वो जो बताए वहीं जाओ, तो गलत तो नहीं किया जी? नहीं, सही है। आज मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मैं किसी जांच को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास कैंसर नाम की बीमारी क्या, कि सिर के दर्द की बीमारी की भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तो मैं जांच रिपोर्ट क्यों मानूं? मैं तो सिर्फ आपसे पूछूंगा कि आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें हैं, यानी जो लगा लो कि घुटने का दर्द में दवाई देता हूं ना, वही आपको मैंने सीए वाले पेशेंट को दिया है, बताओ। अब ये आप जाके देखोगे कि सर मेरे तो घुटने में दर्द था और आपने तो वो दवाई दे दी जो आपने सीए वाले को दिए,
तो आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा, मैंने तो ये बता रहा दवाई के नाम से कुछ नहीं है, मैंने पूरे शरीर को ठीक करने के लिए वो भी गौ माता की औषधियों से जो बनी हुई फूड प्रोडक्ट है वो आपको दिया है, उससे आप ठीक हो रहे हैं, तो भैया मेरा उसमें क्या कसूर है भाई? आप तो बिल्कुल ठीक हो ना सर, पिताजी बिल्कुल ठीक है। तो आज वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि जांच को मैं नहीं मानूंगा किसी भी तरह से, मैं नहीं बोलूंगा कि आप कि भाई जांच रिपोर्ट लेके आओ, हाँ आपकी पुरानी हिस्ट्री है वो मांगता हूं मैं, पुरानी कहीं आपने जांच करा ली वो ले आओ, लेकिन आप यहाँ पर इलाज कराने के बाद आपके पेशेंट की पूरी अच्छी तरह फिजिकल काउंटिंग बॉडी की ठीक हो रही है, उसके बाद अगर आप जांच कराने गए मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, यही बोला था जी। तो बुरा तो नहीं कि आपके साथ वीडियो बना के? ना कोई बुरा नहीं किया, देखो मैं तो बोल रहा हूँ करवाओ जांच, लेकिन फिर मेरे से इलाज क्यों? तो मेरी जांच क्या है, जो मैं इनके पास मेरे पास जब शुरू में आए थे तो उन्होंने ये कंप्लेन की थी, पर मेरे पास ये सारी कंप्लेन इनकी ठीक हो चुकी है। तो सिर्फ घर में एक पेशेंट था जिसने कॉन्फिडेंस लेवल टूटने नहीं दिया, लेकिन इस जगह दूसरा पेशेंट होता तो कहता जी डॉक्टर साहब आराम तो है लेकिन पूरा नहीं है। अरे पूरा क्यों नहीं है, फिजिकल काउंटिंग तो पूरी है ना ये, हाँ ये तो पूरी है लेकिन रिपोर्ट पूरा नहीं है। तो अपनी जो विद्या है वो क्लियर किया, मैं किसी जांच के बात को नहीं मानूंगा, मेरे पास अगर आप चल के आ रहे हो तो भाई भ्रम में जीना पड़ेगा, और भ्रम में जी के खुश हूं मैं, मैंने आज तक अपना जांच नहीं कराया, 10 साल हो चुके हैं, मुझे 1.5 महीने बाद इन्होंने डेथ बोला था, आज तक नहीं कराया, तो मैं तो भ्रम में जी रहा हूं, आप जीना चाहते हो तो सब प्रभु की माया है, सब भ्रम में ही जी रहे हैं।